एक बच्चा तो कोड वर्ड में गाली बकता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि गलती किसी और की नहीं तेरी, गुनाह कर लिया तूने। ये सपना पाल के कि तुझे सिलेक्शन लेना है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहा है। भाइयों इस बात को ध्यान रखो, अगर आप मीठा खाना चाहते हैं, पका पकाया खाना चाहते हैं, तो भैया या तो फिर तुम्हारी किस्मत ऐसी होती कि तुम राहुल गांधी की जैसी किस्मत लेके बैठते कि सोनिया गांधी के घर में पैदा होते या रिलायंस विलायंस के घर में पैदा होते। अब तुम हो रखे हो भैया लोअर क्लास में, क्योंकि हम भी लोअर क्लास के ही हैं। हमारे पिताजी कोई बिजनेसमैन तो थे नहीं, हैं दिल्ली पुलिस में सिपाही थे भाई, सिपाही से भर्ती हुए थे, तो हम सारे लोअर क्लास के। तो हमें अगर मीठा खाना है, पक्का खाना है, तो हमें कोई पका पकाया नहीं देने वाला। हमें तो भैया खुद ही बनाना होगा, खुद ही पकाना होगा, खुद ही उसको मीठा करना होगा, फिर खाएंगे। खाया ना? तो इस बात में मतलब दिमाग अपना व्यर्थ में खराब मत करिए कि हमें चीजें मुश्किल लग रही हैं या ऐसा है या हम समझ नहीं पा रहे हैं। भाई कोई और नहीं आपके लिए करने वाला, करना आपको ही है, समझना आपको ही है। मैं भी एक YouTube पे देखने लग रहा था किसी का कि वो 8 इलेक्शन लड़ा बंदा और 8ों इलेक्शन हारा, लगातार 8 इलेक्शन लड़ा और 8ों इलेक्शन हारा, लोकसभा के 5-5 साल की बात कर रहा हूं, 40 साल तक लगातार चुनाव लड़ा। और ऐसा वैसा चुनाव नहीं, बाकायदा बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टियों से चुनाव लड़ा और 8 बार लगातार हारा, यानी 40 साल तक लोकसभा का चुनाव हारा। आप सोचिए उस आदमी ने कितना पैसा कमाया होगा और कितना खराब किया होगा चुनाव में, क्योंकि फ्री में तो चुनाव लड़ा नहीं जाता। भाई साहब उसने हिम्मत नहीं आ रही, और 9वीं बार 2014 में वो लोकसभा का चुनाव पहली बार जीत गया। तो ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने डेस्टिनेशन को पाने के लिए कितना जुनून लेके बैठे हैं। अगर हमें जुनून है ही नहीं तो फिर कैसे बात बनेगी। जुनून तो पैदा करना पड़ेगा ना बेटा, जुनून कोई और पैदा थोड़ी करेगा, वो तो हमारा काम है। अगर मुझे अच्छा लगता है अच्छा शरीर बनाना, अच्छा लुक देखना कि मेरा शरीर का लुक अच्छा हो, मुझे देखने में लोग पसंद करें, तो भैया उसके लिए मेहनत भी मुझे करनी पड़ेगी। हैं? समझ रहे हो ना बात को? कौन पढ़ाएगा, कौन मेहनत करेगा हमारे लिए? हमें मेहनत करनी है भैया।